अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है? अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स थे जिस पे बात करना चाह रहा था, तो जो सा मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों के जो सा मैसेजेस आते हैं कि इसके बारे में भी बात करें, तो दो तीन टॉपिक्स थे तो उसका भी मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर बात करते हैं। लोग फ्रीलांसिंग के बारे में बड़ा पूछते हैं जी, फ्रीलांसिंग के बारे में बताएं, ब्लॉगिंग के बारे में बताएं, यूट्यूब का चैनल है उसको कैसे ऑपरेट करें उसके बारे में बताएं, डिज़ाइनिंग के बारे में, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैंने कहा चलें उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो वो दो चार कहानियाँ हैं वो डिस्कस करते हैं आपसे, तो देखते हैं फिर उसका आपकी तरफ से क्या फीडबैक आता है। तो फ्रीलांसिंग के बारे में बड़ा मशहूर है कि भाई फ्रीलांसिंग जो सी है आपको वक्त और बॉस की कैद से आज़ाद कर देती है। तो कोई ये अल्फाज बोल रहा था तो अपनी जेब से उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला, तो उसको फाइबर पे मैसेज आया हुआ था कि 30 मिनट रहते हैं तो आपका ऑर्डर जो सा डिलीवर करने में, बस देखने में देर हो गई तो वो तकरीर अपनी आगे आधी छोड़ के भाग गया। तो दो तीन मैसेज मैंने इस तरह के देखे कि ब्लॉगिंग के बारे में किसने लिखा था, कि चले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे सामने ओपन है एक, कहते हैं ब्लॉगिंग आपको ढेर सारा पैसा देती है और आप दुनिया जान में घूमते हैं, आपको पैसा मिलता रहेगा, हत्ता कि आप सोते वक्त भी अपनी कमाई कर रहे होते हैं। ये कहते हुए इसे मैसेज मिला कि सर्वर डाउन हो गया है और साथ एडसेंस भी डिसेबल हो गया है। इसने भी तकरीर आधी छोड़ी और भाग गया घर, नहीं खुदकुशी करने के लिए। तो ब्लॉगिंग भी बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, कुछ अरसे तक मैं करता रहा हूँ, तो बाकी फ्रीलांसिंग भी कुछ अरसे चलती रही है। तो यूट्यूब का बस एक पहले कोई अकाउंट था तो बस वो किसी वजह से डिसेबल हो गया था, तो अभी जो सा ये न्यू चैनल है तो इस पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ है थोड़े कुछ थोड़े बहुत आपकी मेहरबानी से। तो यूट्यूब के बारे में भी एक स्टोरी किसी ने लिखी थी कि यूट्यूब एक ऐसी और एक वीडियो बनाए और पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये कहते हुए एक ईमेल मौसूल हुई कि आपका चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से डिसेबल कर दिया गया है। ये सुनने की देर थी कि वो उठ गया, हाथ में पिस्टल पकड़ा और यूट्यूब के हेड क्वार्टर जाकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं ऑनलाइन जो सी कमाई है, कारोबार है, कोई लॉटरी नहीं है कि आज आप जो सा लॉटरी लें और कल आपकी लॉटरी निकल आए, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा। तो ये नहीं है कि आज आपने काम शुरू किया तो आज ही आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह आम कारोबार है उसमें वक्त पैसा आपका सब कुछ लगता है, इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस भी इसी तरह ही है कि आप वेबसाइट्स बनाना शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, फिर आस्ते आस्ते आपकी लोगों में पहचान होती है, तो उसके बाद जाके आपको जो है ना थोड़ा मार्केट में, जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप मार्केट में अपने काम से पहचाने जाते हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपके पास भाग भाग के आएंगे, आपके पास खुद आएंगे, वर्ड ऑफ माउथ से जो है आपने अगर किसी का काम अच्छा किया है, पैसों को ना देखा करें, यह कि काम आपने अगर किसी का किया है तो जाहिर बात है वो आप मुफ्त में तो आप नहीं सीखे सब कुछ, यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं, घर पे बैठ के सीखे हैं, जिस तरह भी है, लेकिन यह कि ज़्यादा अगर आप पैसों को प्रेफरेंस देंगे तो फिर बहुत से लोग हैं जो आपकी जगह ले लेंगे और काम कर देंगे थोड़े पैसों में। यह कि अच्छा काम करें, पैसे मुनासिब लें और फिर जो सा है इंशाल्लाह जो सा है आपका लोग जो सा है दूसरे को रेफ़र करेंगे और आपको जिस तरह से आपने उसमें थोड़े कम पैसे लिए हैं तो दो चार काम और आ जाएंगे आपके, इसी तरह फिर चेन बनती जाती है, तो फिर जो सा आपको चल सो चल काम शुरू हो जाता है बस। तो ये कि इसमें मेहनत दरकार होती है, तो इसमें वही रूल लागू होते हैं जिस तरह किसी भी और बिजनेस में आपके रूल लागू होते हैं कि आपने जो सा है पहले साल तो ये सोचे ना कि भी मुझे प्रॉफिट होगा। एक्चुअली इसमें ये होता है कि आप उसमें फिज़िकली तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होते, अपने माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं कि आपने कोडिंग किस तरह से करनी है,
और बाकी अगर आपको प्री डिफाइंड कोई कोडिंग मिल रही है तो बस उसमें इन्होंने कस्टमाइजेशन आपने किस तरह से करनी है। तो इन द सेंस फिजिकल कह सकते हैं, लेकिन आप जो सा मेंटली उसको ज़्यादा मैं तो कहूँगा इसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने ब्रेन को। तो बस ये है कि पूछने से पहले की बात जहन नशीन कर लेंगे, कमाई तो आएगी इससे ज़ाहरी बात है, लेकिन जो सा अच्छे तरीके से। और इसमें यह कि आपको 24/7 अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपको। अगर आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ है तो ज़ाहिर बात है अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है, कोई आपसे ऑफ़र मांग रहा है, कोई आपकी गिग चेक कर रहा है, तो आपको उसको रिप्लाई बैक भी करना है। तो मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखते हैं कि अगर मुझे आउटसोर्सिंग करनी हो, किसी से काम कराना हो, तो मैं जो सा वो अगर मैसेज करता हूँ तो जवाब 2 दिन के बाद आता है, तो इतनी देर में तो काम भी हो जाता है। तो फिर जो सा अगर आप अवेलेबल नहीं है, अगर आपने कुछ अकाउंट बनाया हुआ है फ्रीलांसिंग के लिए, तो अगर उस पर आप अवेलेबल नहीं है तो उसके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर आपने अकाउंट बनाया तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। इंटरनेट जो से आप अपनी अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप जो से जैसे अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दें कि मैं इस टाइम में अवेलेबल होता हूँ, अगर आपने मैसेज करना है तो ज़ाहिर बात है वो मैसेज छोड़ेंगे लोग और आपको जो सा है अप्रोच करने के लिए आपका वेट कर लेंगे उस टाइम का। अगर आपको वो मैसेज करते रहते हैं और आप रिप्लाई नहीं करते तो ज़ाहिर बात है वो किसी और को अप्रोच करेंगे। तो ये देख लें कि 24/7 आपको अवेलेबल होना पड़ता है। इंटरनेट का आपका खर्चा है, अगर घर में इंटरनेट लगा है, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप जो सा है इतना खर्चा नहीं है। लेकिन ये कि जैसे आपकी कमाई आना शुरू हो तो बिल्स में थोड़ा साथ बटाएं पेरेंट्स का, तो ये नहीं कि आप जो सा इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं और आपके पैसे भी आ रहे हैं तो उसकी भी मौज मस्ती हो रही है। थोड़ी थोड़ी सेविंग करें अपनी। मैं अपना बताता हूँ आपको कि मेरे पास मोबाइल को इतना अच्छा नहीं था, लैपटॉप को इतना अच्छा नहीं था, तो अपनी सेविंग करके जो सा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोबाइल भी अच्छा है, लैपटॉप भी ठीक है। तो वो इसी तरह के काम के साथ साथ ही आपकी सारी चीज़ें ठीक होती जाती हैं। ये नहीं है कि आज आपने काम शुरू किया तो आप कहें जी मैंने Samsung 20 लेना, या वो तो नाम भी नहीं आते इतने ज़्यादा, तो ये वाला लेना है। तो ये कि टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखें आप। तो ये है कि बहुत जो है वो थोड़ा सा एक और किसी ने सेंड किया, तो वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। हाँ जी, कोई कह रहा है जी हार्ड वर्किंग जो सी है वो की है इसकी। तो वाकई सच्ची बात है कि हार्ड वर्क से ही आप जो सा अचीव कर सकते हैं आपके गोल्स। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते। वो मैं किसी को मिसाल देता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे, अगर आप अपनी लर्निंग नहीं कर रहे, तो जाहिर बात है कोई और तो कर रहा होगा ना। अगर फ़र्ज़ करें मैं नहीं कर रहा तो मेरा जो सा कंपेटिटर तो नहीं कह सकता, मेरा फ्रेंड या कोई और जो सा वो मेहनत कर रहा होगा, वो यूट्यूब से नए नए कोर्सेज सीख रहा होगा, वो देख रहा होगा कि भाई अभी क्या नई अप्रोच चल रही है मार्केट में, तो वो लर्निंग कुछ करेगा उसका। अब आपने किया हो क्या नाम है MS या BS जो सा आपने किया 2001 में 2000 में, तो अभी 2020 है, तो आपका कोर्स जो सा था, हमारा कोर्स जो सा था, वो तो बेचारा वैसे ही उसकी तो कोई अब वो पूछता भी नहीं है। तो अभी उसको अगर आप मार्केट में लेके चलेंगे वो पुराने कोर्स को, तो आप ये ना सोचें कि जो सा आपका मार्केट में कोई आपको कहेगा कि हाँ जी बड़ा अच्छा आप काम करते हैं। तो यह कि कुछ सीखें, ये नहीं कि अब आप जो सा यूनिवर्सिटी फिर दोबारा से जाना शुरू हो जाए, तो साथ साथ ये काम भी करते रहें, कुछ ना कुछ करें। वो जैसे कोई मुझे कहता था कि भाई आप जो सी छोटी चीज़ है उसको छोड़ें ना, और बड़ी चीज़ को जो सा है वो ढूंढते रहें। और फर्ज़ करें आपकी जॉब जो सी है, या आपको एक काम मिल रहा है $10 का कह लें जी आपको काम मिल रहा है, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं उसको। मैं तो कहता हूँ कि ना छोड़ें, अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हैं तो $10 वाले को काम भी ना छोड़ें, क्योंकि वो आप काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे,
तो वो बंदा जौन सा है वो किसी और को बताएगा जी इस बंदे ने कितना अच्छा मेरा काम किया। तो उस $10 से जौन सा आपके, मैं तो कहता हूँ 1000 से भी ऊपर आप डॉलर कमा सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी और को बताएगा कि इसने मेरा इतना अच्छा काम किया है, तो फ़र्ज़ करें कि भाई वो 1000 और 100,000 डॉलर का आपके पास काम आ जाता है उस काम से, तो वो क्या $10 आपके लिए बुरे थे? तो बार बार ये मशवरा देता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आप काउंसलिंग बड़ी करते हैं, तो वही है कि सच्ची बात उनसे वो कड़वी लगती है। तो आप जो है इन चीज़ों को ना छोड़ें, छोटी छोटी चीज़ों को और अच्छी जो बड़ी चीज़ें हैं उनको सीखते रहें, और बाकी ये है कि अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े रखें, नमाज़ पढ़े करें, कुरान जो है बेशक एक लफ्ज़ भी पढ़ें, एक रुकू भी पढ़ें, वो भी आप लाजमी पढ़ा करें इंशाल्लाह। तो बाकी जो है ये साथ साथ चीज़ें चलती रहती हैं, परेशानियाँ टेंशनें ज़िंदगी में आती रहती हैं, उनको अपने ऊपर तारी करेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो दो बातें फिर मैं दोबारा एंड पे कह रहा हूँ कि सीखना ना छोड़ें और छोटी चीज़ों को ना छोड़ें, तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। अपने आप को इन दो चीज़ों को अपने पल्ले से बांध लें तो फिर इंशाल्लाह जो सा ना बेहतरी आपसे जो सा ना दूर नहीं है। तो छोटे छोटे जो काम हैं उनको ना छोड़ें, करते रहें, अच्छा करें, कम पैसे लें कोई नहीं, नेक्स्ट जो सा आपको अच्छे पैसे मिल लेंगे। और बाकी जो सा है दुआ में याद रखें इंशाल्लाह, फिर जो सा है किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। ठीक है जी, फी अमान अल्लाह हाफिज़।